फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। श्रावण का महीना चालू है, उपवास के दिन चालू है और उपवास के लिए हम हमेशा साबुदाना खिचड़ी नहीं तो साबुदाना वड़ा बनाते हैं। लेकिन आज हम राजगीरा, जिसे रामदान भी कहते हैं, अमरांतस भी कहते हैं, उसकी हम खीर बनाएंगे। और राजगीरा जो है, इसमें आयरन कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा है। ये दिन भर हमें ताकत देता है, न्यूट्रिशन देता है और ये खीर की वजह से हमारा पेट भरा हुआ रहता है और उपवास के दिन में हमें भूख लगती नहीं है। तो चलो अभी हम राजगीरा की खीर बनाने को लेते हैं। फ्रेंड्स, राजगीरा खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी राजगीरा का ये आटा लिया है। ये ऐसे रेडीमेड पैकेट मिलता है, ये मैंने लिया है। खीर को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूँगफली है उसका पाउडर लिया है मैंने 1/4 कप। कद्दूकस किया हुआ मैंने सूखा नारियल लिया है। बादाम के स्लाइस लिए हैं और ये देसी गुड़ है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसको पानी में डाल के मैंने उसको पिघला लिया है। इलायची पाउडर है ये 1 चम्मच और किशमिश और ये घी है। इसके बगैर तो हमारी खीर जो है ये बनती नहीं है। तो चलो अभी हम खीर बनाने को लेते हैं। गैस स्टोव पे मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें अभी ये 2 बड़े चम्मच हमें घी डालना है। घी में हमें अच्छी तरह से जो आटा है हमारा राजगीरा का, उसे हमें पका लेना है। घी गर्म हो चुके हैं, इसमें अभी हम आटा जो है हमारा ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक हर एक घी से अलग होते ही नहीं है और अच्छी खुशबू आती नहीं है तब तक इसे अच्छे 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, ये आटा हमारा अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे, किशमिश, मूंगफली का पाउडर, सिर्फ प्लेन राजगीरा खीर खाने से ये 2-3 चीज़ें आप डालेंगे इससे ये टेस्ट भी आता है एक चेंज। और ये व्रत के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, इससे एक होलसम मील हो जाता है, भूख भी लगती नहीं है, पेट हमारा जो है भरा भरा रहता है। और बादाम, और ये स्टेज पे अभी हमें ये गुड़ का जो हमारा पानी है धीरे धीरे हमें डाल देना है। एक कटोरी के लिए हमें 2 कटोरी ये गुड़ का पानी डालना है और अच्छी तरह से हमें राजगीरा के जो आटा है हमारा उसके साथ हमें ये पानी मिक्स कर लेना है और पका लेना है। अभी खीर बनाने के लिए राजगीरा का जो आटा हमारा पक चुका है उसमें अभी हम दूध डाल देंगे और आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए खीर की उसके हिसाब से आप उसमें दूध डाल दीजिए और ये अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है दूध के साथ और ये हमारी खीर रेडी हो जाएंगी। एक उबाल आने देंगे हम और आखिरी में हमें इलायची पाउडर डाल देना है। इसे ज़्यादा उबालना नहीं है नहीं तो फिर ये हलवा बन जाएगा। एक उबाल आ चुका है, अभी इसे गैस स्टोव को हमें बंद कर देना है। ये हमारी हेल्दी न्यूट्रिशियस व्रत के लिए उपवास के लिए राजगीरा की खीर रेडी हो गई है।
चलो अभी इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, राजगिरा के हेल्दी न्यूट्रिशियस खीर व्रत के लिए, उपवास के लिए रेडी है, सर्व करते हैं। थोड़ी सी ताज़ी मलाई, बादाम के ये कतरन, हेल्दी न्यूट्रिशियस राजगिरा, मूंगफली, नारियल और ड्राई फ्रूट्स के साथ ये हमारी उपवास के लिए हेल्दी न्यूट्रिशियस राजगिरा की खीर रेडी है। जल्दी बनने वाली ये खीर है उपवास के दिनों में। और फ्रेंड्स, ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उपवास के दिन में आपको और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।